हेलो फ्रेंड, आज हम पॉजिटिव पावर के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो। इसमें हम समय समय पर आपके जो रिलेवेंट एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो डालते रहेंगे प्रिपरेशंस के लिए। तो आज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जो रेलवे की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, जो आज 29 डेट हो गई है और 31st को इसका लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज वो फॉर्म भर देना और उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ऑनलाइन स्टडी के लिए हमारा जो चैनल है उसके आप उसके ऊपर आप सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो इसका जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करो, जिससे आपको समय समय पर जो नई अपडेट है वो मिलती रहे। तो मैं आपको एग्जामिनेशन जो आपका लोको पायलट पोस्ट है उसमें दो पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, एक तो डी ग्रुप और एक लोको पायलट पोस्ट के लिए आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोको पायलट है उसके लिए आप एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा उसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि तैयारी से पहले अपने को पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के बारे में बताऊं कि आपको जो एग्जाम होगा वो दो स्टेज में होगा। पहला होगा प्री एंड मेंस। प्री के अंदर आपके होंगे 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और उसमें जो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो चार टाइप के होंगे। एक तो मैथ्स होगा, एक रीजनिंग होगा, एक जनरल साइंस होगा और एक करंट अफेयर्स होगा। तो मैथ्स का जो स्टैंडर्ड होगा आपका लगभग 10th लेवल का होगा, मतलब आपके जो एक एप्टीट्यूड टाइप का मैथ पढ़ते हैं उस हिसाब का मैथ होगा आपका। एक जनरल आपका रीजनिंग होगा, और जनरल साइंस वही आपका 10th, थोड़ा बहुत 11th 12th से भी हो जाता है कभी कभी, तो उस हिसाब के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने। और करंट अफेयर्स जो आपको पिछले लगभग आपका 1 या 2 सालों के पिछले जो भी आपके करंट के मुद्दे हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, उनको याद करना आपको। और आपका जो उसके बाद आपका जो इसका रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे प्री में क्वालिफाई करेंगे उनका जो उनका सेकेंड स्टेज लगेगा, और सेकेंड स्टेज एग्जाम में होगा वो भी दो पार्ट में होगा, मतलब दो एग्जाम होंगे उसके। अब ये हो सकता है कि दोनों एग्जाम एक माइनर टाइम गैप के ऊपर हो सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम होगा मतलब पार्ट ए होगा सेकेंड स्टेज में, उसमें आपके 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और उसमें भी वही आपके जैसे प्री के अंदर चार सब्जेक्ट थे उस हिसाब से चार सब्जेक्ट होंगे। वही मैथ्स होगा, एप्टीट्यूड मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और बेसिक साइंस होगा, एंड इंजीनियरिंग एंड करंट अफेयर। देखो इसमें एक इंजीनियरिंग नाम से टर्म यूज किए, इंजीनियरिंग टर्म से मतलब होता है यहाँ पे एक बेसिक फिजिक्स का एक कंसेप्ट इसमें ऐड कर देगी। जैसे कोई ट्रेड के बच्चे उसके ट्रेड के अंदर आप पढ़ते होंगे, जैसे एक जनरल फिजिक्स पढ़ते हैं तो वही चीज होगा यहाँ पे। कुछ इतना कुछ इंजीनियरिंग ऐड करने का मतलब ये नहीं कि काफी वो लंबा थोड़ा टॉपिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बेसिक जनरल साइंस और थोड़ा एक हाइपर एक फिजिक्स होगा, और करंट अफेयर्स वही आपका पिछले दो तीन साल का आपका करंट अफेयर्स होगा। बस ये है कि जो पार्ट ए के अंदर तो आपका रीजनिंग और ये जीके और करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड अगर प्री से थोड़ा हाई कर देगा, क्योंकि आपका जो है सेकेंड लेवल का एग्जाम होगा। और फिर पार्ट बी के अंदर आपका होगा आपके 60 मिनट में वही 75 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे आपको, और जो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आपका रिलेवेंट टू ट्रेड होगा, मतलब आपके जो जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड के लिए आपका उस ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे आपके 75 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेंड करने होंगे। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होगा, मतलब आपकी जो कट ऑफ निकलेगी उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, केवल 35% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स वो लाने ही होंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो आपके रेलवे कुछ भी जैसे आपका मेडिकल वगैरह हो गया, फिजिकल जो भी कुछ होगा उस प्रोसेस के लिए आपको पास आउट होने के लिए आपको 35% पासिंग मार्क्स लाने होंगे। इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगी। बस ये है आपका जो लोको पायलट पोस्ट है उसके लिए एक एग्जामिनेशन पैटर्न था। अब नेक्स्ट अपन बाद में अपन डी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन के रिलेवेंट हम समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे। और ट्रेड की बात बताएं तो हम आपके जो ट्रेड के रिलेवेंट जो भी वीडियो का वो भी हम इसके ऊपर डालते रहेंगे, लेकिन जो आपका प्री एग्जाम अब फिलहाल हम फोर्स करेंगे प्री एग्जाम जो होगी उसकी तो उसके अपन मैक्सिमम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा सके। तो हम अभी इसी के ऊपर स्ट्रेस देंगे और मेंस एग्जाम अपन बाद की देख लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको समय समय पर हम पूरी अपडेट देते रहें आपके जो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, थैंक यू।